दोस्तों, आज भी दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो सिर्फ गोरे रंग को ही किसी की सुंदरता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। आमतौर पर लोग किसी के गोरे रंग और अच्छे नैन नक्श को ही सुंदरता की परिभाषा से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, आज भी यही मानकर चला जाता है कि जो गोरा है वही सुंदर है, लेकिन ये किस हद तक सही है? कहा जाता है कि ईश्वर की हर रचना अपने आप में सुंदर होती है और ईश्वर ने ही इंसानों को गोरा या काला बनाया है। ऐसे में गोरे और काले रंग को लेकर भेदभाव करना क्या उचित है? अगर आप भी यही सोचते हैं कि जो गोरा है वही सुंदर है, तो आपका यह भ्रम पल भर में टूट जाएगा, क्योंकि हम आपको ईश्वर की एक ऐसी रचना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे काले रंग की वजह से काफी धुतकारा जाता था। लेकिन दोस्तों, उसने ये साबित कर दिया कि खूबसूरती गोरे रंग की मोहताज बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं क्वीन ऑफ डार्क के बारे में विस्तार से। दोस्तों, क्वीन ऑफ डार्क का खिताब अपने नाम करने वाली न्यायकिम गैटवेच ने ये साबित किया है कि ये खूबसूरती गोरे रंग की मोहताज नहीं है और काला होना कोई अभिशाप नहीं है। आपको बता दें कि न्यायकिम को यह खिताब किसी और ने नहीं बल्कि इंटरनेट की इस दुनिया ने ही दिया है। दोस्तों, दक्षिणी सुडान की मॉडल न्यायकिम गैटवेच को अपने रंग पर बेहद नाज है और उनका मानना है कि काला होना कोई अभिशाप नहीं है। दोस्तों, न्यायकिम अपनी इसी डार्क स्किन के जरिए दुनिया भर में मशहूर हो गई और अपनी इसी वजह से इन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा रखी हुई है। दोस्तों, क्वीन ऑफ डार्क कही जाने वाली न्यायकिम का मानना है कि रंग रूप अगर ऊपर वाले की देन है तो फिर जो मिला है उसे एक उपलब्धि मानकर उसका सम्मान करना चाहिए, और यही वजह है कि न्यायकिम को अपने काले रंग से नफरत नहीं बल्कि प्यार है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाली न्यायकिम अपने शरीर के काले रंग को भगवान का दिया हुआ वरदान मानती है और भगवान द्वारा दिए गए इस रंग से बेहद प्यार भी करती है। न्यायकिम का मानना है कि उनके शरीर का यह डार्क रंग उनके लिए बेहद लकी है और उन्हें अपने शरीर के इस काले रंग से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लोगों ने कई बार किया तिरस्कार। दोस्तों, न्यायकिम का कहना है कि उनके जीवन में कई ऐसे मौके आए जब काले रंग की वजह से उन्हें लोगों का तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें बदसूरत कहकर धुतकारा करते थे। लोगों के इस तिरस्कार के चलते उन्होंने कई बार अपने स्किन कलर को ब्लीच कराने के बारे में सोचा। बदसूरत कहकर अपमान करते थे लोग। दोस्तों, न्यायकिम को डार्क कलर के चलते लोग बदसूरत मानते थे, जो उनके लिए किसी बुरे अनुभव से कम नहीं था। लेकिन बाद में न्यायकिम अपने इसी डार्क रंग के साथ सकारात्मक सोच को लिए आगे बढ़ी और बन गई क्वीन ऑफ डार्क। दोस्तों, बताया जाता है कि जब न्यायकिम मॉडलिंग के लिए यूएस आई तब उन्हें रंग को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मॉडलिंग की दुनिया में सुडान की इस मॉडल की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें, न्यायकिम ने कभी भी काले रंग के चलते अपने कदम पीछे नहीं हटाए, वो आगे बढ़ती गई और आज क्वीन ऑफ डार्क बनकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी की खूबसूरती गोरे रंग की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।